ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि आज हम बात करेंगे एक फादर के पर्सपेक्टिव को लेकर के। तो आज है हमारे साथ ईशा के फादर और वो बताएंगे कि उन्होंने इन 8 सालों को अपने नज़रिए से कैसे देखा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो आप मुझसे पूछते हैं, आज एक फादर के नज़रिए से उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब ईशा एज अ डिलेड चाइल्ड आपको दिख रहा था तो फर्स्ट हंच आपको क्या लगा? तो जब ईशा करीबन 1.25 साल की थी तो ऐसा लग रहा था कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, मोटर स्किल्स, कम्युनिकेशन एट पार नहीं है। एज सच ईशा हमारा फर्स्ट चाइल्ड थी तो पेरेंटिंग एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक अंदर से फीलिंग थी कि कुछ तो सही नहीं लग रहा, एक हंच था कि समथिंग इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो उस हंच को वैलिडेट करने के लिए मैंने CDC की कुछ चेकलिस्ट रेफर करी, ईशा का बिहेवियर उस पर मैप किया और उस चेकलिस्ट के हिसाब से ईशा स्पेक्ट्रम पे आइडेंटिफाई हुई थी। और ये चेकलिस्ट मैंने उसके 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल की एज में बार बार करी थी और रिजल्ट हमेशा एक ही आता था कि एट द रिस्क ऑफ स्पेक्ट्रम। तो अब कहीं ना कहीं बात ये थी कि मुझे तो ये सब चीज़ें फील होती थी, बट मेरी वाइफ को इनको लगता था कि नई चीज़ें ऐसी नहीं हैं। तो हमारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और काफ़ी हमें आपस में डिस्कशंस लगे सेम पॉइंट पे आने में कि कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। की थिंग टू अंडरस्टैंड यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि दो पार्टनर्स की ओपिनियन अलग हो। कई बार मदर को लगता है कि बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ और फादर को नहीं लगता, कई बार वैसे वर्सा होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर ऐसा हंच आ रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो उसको वैलिडेट करें किसी चेकलिस्ट से, साइंटिफिक चेकलिस्ट से। और अगर आउटकम में ऐसा आ रहा है कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे हो सकता है तो फिर साथ मिलके उस चीज़ को आगे लेके जाए। वेटिंग एंड वॉचिंग विल नॉट हेल्प। ओके, तो जब आपको पता चला कि आपको दिख रहा था, आपको हंच आ रहा था और ऐसा आप बोल रहे हो कि जब आप चेक करते थे चेकलिस्ट में तो ईशा स्पेक्ट्रम में दिखती थी, तो उसके लिए आपने कौन से स्टेप्स लिए? तो पहला स्टेप जो होता है आपका, वो होता है आपके पेडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस करना। अनफॉर्चुनेटली आज से 6-7 साल पहले जो पेडियाट्रिशियंस की इस मामले में ओपिनियन बहुत लिमिटेड होती थी। पेडियाट्रिशियंस से हमने जब भी बात करी उनका ये व्यू होता था कि नहीं, आप जनरलाइज करिए, बच्चे को सोशलाइज करिए, प्ले स्कूल में डाल दीजिए, एवरीथिंग विल वर्क आउट। ऐसे डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियंस नहीं होते थे आज से 5-6 साल पहले। अब सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है, थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। सो पहला स्टेप टू टॉक टू पेडियाट्रिशियन से कुछ खास रिजल्ट यील्ड नहीं हुआ था, तो फिर हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया था और ये ओपिनियन बनाई थी कि कुछ टाइम तक हम मैक्सिमम वेट करेंगे एंड बियॉन्ड दैट हम उसको थेरेपिस्ट को या फिर जो एसेसर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास लेके जाएंगे। तो हमने ईशा को अराउंड 2.5 से 2.75 साल की एज में असेसमेंट के लिए उसको शेड्यूल कर दिया था और फिर असेसमेंट हमने प्रॉपर करवाया। तो असेसमेंट के बाद जब आपको पता चला कि ईशा में SPD और ADHD फैक्टर है और एक स्पेशल नीड चाइल्ड है, तो आपका रिस्पॉन्स या आपका रिएक्शन क्या आया था? तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि ईशा का डायग्नोसिस आया है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि प्रॉब्लम तो है। मेरे लिए थोड़ा पॉजिटिव ही चीज़ थी कि एटलीस्ट वी हैव सम डायरेक्शन, कुछ तो हमें रास्ता मिला है किस रास्ते आगे जाना है। हाँ, मेरी वाइफ के लिए, इनके लिए बहुत बड़ा शॉकर था और होगा ऑब्वियसली, अगर एक पार्टनर इस इम्प्रेशन में है कि एवरीथिंग इज़ फाइन और सडनली उनको ये डायग्नोसिस मिलेगा तो शॉकर तो होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायग्नोसिस से कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मल कंप्लीटनेस मिलती है, एक रास्ता मिलता है कि भाई इससे आप आगे कहीं जा सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम जब बच्चे को थेरेपी में डाला था तो आपको फर्स्ट जो होता है ना, एक फील किया, अरे बच्चा थेरेपीज में जाने लगा है तो अब क्या होगा, मतलब आपने क्या चीज़ ऐसी सोची थी बच्चे को जब आपने थेरेपी में डाला था? तो होता क्या है कि थेरेपीज की अवेयरनेस ना के बराबर होती है न्यूली डायग्नोज पेरेंट्स को, और आज से 6-7 साल पहले और कम होती थी।
तो कहीं ना कहीं पेरेंट का ये फीलर होता है कि ठीक है भाई, प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर लिया, अब थेरेपी में जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप थेरेपी में डालते हो तो आपको दिखता है कि कुछ चीज़ें तो काम कर रही हैं, लाइक ईशा के केस में ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन स्पीच थेरेपी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि स्पीच थेरेपी उसके लिए टॉर्चरस हो रही है। तो ये समझ में आता है कि थेरेपी भी आपको वही बच्चे के लिए ढूंढनी है जो उसको सूट करे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कहीं थेरेपी वर्कआउट नहीं हो रही है, आप एक सेकेंड ओपिनियन लें, आप एक थर्ड ओपिनियन लें, बिकॉज हर थेरेपिस्ट का स्टाइल अलग है, टेक्निक अलग है, नॉलेज अलग है, और हर बच्चे की थेरेपी नीड्स भी अलग है। तो वहीं हमें जाके बच्चे की पे काम करवाना है जहाँ पे उसको सही तरीके से हैंडलिंग मिल रही है, जहाँ हमें पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है। तो एज अ पार्टनर, लाइक जब आपको पता चलता है कि बच्चा स्पेशल नीड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, और आपकी जो लाइफ होती है, मतलब जो जीना जीने का तरीका होता है, वो भी काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, एज अ फादर आपकी किस तरीके से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं? तो पहली चीज़ तो ये होती है कि दो चीज़ें इमीडिएट रिएक्शन होती हैं। पहली चीज़ इमोशनल शॉक, दूसरी चीज़ होती है फिजिकल बर्डनिंग। इमोशनल शॉक जैसे मैंने बताया जैसे मेरी वाइफ के लिए ज़्यादा था, और फिजिकल बर्डनिंग की अब आपको थेरेपीज ले जाना है, और थेरेपी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक दो घंटे की चीज़ है, वो चीज़ आपको घर पर रेप्लिकेट करनी है, तो आपका अच्छा खासा काम बढ़ जाता है। आपके पास ऑलरेडी आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, पर्सनल कमिटमेंट होते हैं, ओवर एंड अबाउ एक वीकेंड इमोशनल स्टेट में आपके पास और फिजिकल वर्कलोड आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इस वर्कलोड को शेयर करें, किसी एक पार्टनर पर ओवरबर्डनिंग ना हो। तो हमारे केस में हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि ईशा को थेरेपी पे ले जाने का काम एज मच एज पॉसिबल है वो मैं करूँगा, और ईशा पे जो घर पे रेस्ट ऑफ द डे थेरेपी में का काम होना है वो ये करेंगी। हमने अपने प्रोफेशनल कैरियर्स भी ऐसे डिवाइड कर लिए थे कि जब एक पार्टनर काम कर रहा है तो दूसरा बच्चे को सपोर्ट कर पा रहा है, देख पा रहा है, एंड वाइस वर्सा। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ, अदरवाइज़ क्या होगा, एक ना एक पार्टनर बर्नआउट हो जाएगा, और जब बर्नआउट हो जाएगा तो चीज़ें नहीं वर्कआउट होती। और ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में नहीं है, आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को इन्वॉल्व करिए, सबको ऑनबोर्ड करिए। कई बार क्या होता है, एक टैबू होता है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि अगर एक चैलेंज है हाउस होल्ड में तो सारे फैमिली मेंबर उसके लिए एकजुट होके काम करें, एक साथ मिलके सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो इस जर्नी में कभी ऐसा भी हुआ कि जब ऐसा लगा कि होप नहीं है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा? तो होपलेसनेस या होप इस जर्नी में होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आपके लगे रहते हैं। कुछ दिन आपके होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, आपको लगेगा चीज़ें बड़े अच्छे से वर्कआउट हो रहे हैं, और कुछ दिन आपको बहुत ज़्यादा शौक लगेगा कि जो चीज़ें वर्कआउट हो रही थी ऑल ऑफ अ सडन सब नेगेटिव में जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है एक रेजिलिएंट होना, एक इमोशनल रेजिलियंसी बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप अपनी एनर्जी डिविएट करके अपने दिमाग को उस नेगेटिव इमोशन से ब्रेक दे सकें। बिकॉज अगर नहीं होगा ऐसा तो बहुत इजीली हम लोग फिर एक नेगेटिव इमोशंस के लूप में चले जाते हैं, और वो जो डाउनवर्ड स्पाइरल होता है वो कई बार बहुत बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी शॉकर है आपके लिए कुछ भी, जब भी कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं हो रही है, तो आपके पास कोई आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी हॉबीज़ हैं जो आपको दिमाग डाइवर्ट करती हैं, बिकॉज आपका दिमाग भी एक मशीन है जिसको इमोशनल ब्रेक चाहिए होता है। अगर आप किसी और चीज़ में अपने आप को इमर्स कर दोगे उतनी चीज़ के लिए, आप एटलीस्ट ये प्रॉब्लम कुछ हद तक भूल जाओगे, और इससे आपके दिमाग को रिचार्ज होने का टाइम मिलेगा। तो आप न्यूली डायग्नोसिस पेरेंट्स को अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरा सजेशन न्यूली डायग्नोस पेरेंट्स के लिए ये होगा कि हम जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, उनसे ये ज़रूर पूछें कि हमारे बच्चे पे क्या काम करना है, बट
उनसे ये ना पूछें कि भाई फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव पिक्चर देते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट, कुछ डॉक्टर, कुछ थेरेपिस्ट आपको बहुत निगेटिव पिक्चर भी देंगे और कहीं ना कहीं वो आपके मोरल को इम्पैक्ट भी करेगा। कोई भी स्पेशलिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी पेडियाट्रिशियन फॉर्च्यून टेलर नहीं, वो नहीं बता सकता कि आज 10 साल 20 साल के बाद आपका बच्चा कैसे टर्न आउट होगा। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने पे फेथ रखना, बेस्ट ओपिनियन लेना, बेस्ट एडवाइस लेना, बट ये किसी की भी ओपिनियन को दिल से ना लगाएं। कोई अगर कहता है कि नहीं इसमें बहुत प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा, या कोई अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं आपको तो बहुत साल थेरेपी लेनी पड़ेगी, वो नहीं नहीं बता सकते आपको। वो आपको आज की प्रॉब्लम बता सकते हैं और उस पर क्या काम करना है ये बता सकते हैं। वो काम करने के बाद बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा कोई नहीं गैस कर सकता है। तो आप पॉइंट इन टाइम जिए, पॉइंट इन टाइम आपको जो एडवाइस मिल रही है, बेस्ट प्रोफेशनल एडवाइस, उस पर काम करिए। डोंट थिंक टू मच अबाउट कि 10 15 20 साल बाद क्या होगा, नोबडी नोज। आपका बच्चा बहुत रिमार्केबल तरीके से ग्रो कर सकता है, आपको बहुत सरप्राइज कर सकता है। कितनी केस स्टडीज हैं, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्पेशल बच्चों ने जो उनका इनिशियल डायग्नोसिस था, इनिशियल प्रोग्नोसिस था, उसको बिल्कुल डिफीट कर दिया और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने आउटकम ला के दिखाया। और इस चीज़ में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कुछ ऐसे थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव आउटलुक देंगे और कई बार क्या होता है कि वो आपको गलत ढंग से गुमराह भी करते हैं। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक भी दे रहा है तो भी आपको उसमें भी सोचना है कि क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्योंकि हमें एक दो बार ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने बोला कि ईशा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम परफेक्ट है आपका बच्चा, बस आप कुछ थेरेपी दीजिए और एकदम बच्चा सही हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, कल 20,000 रुपीज़ जमा करवा दीजिए। तो इस चीज़ से मिसगाइड नहीं होना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सामने दिख रही है आपको दिख रही है, थेरेपिस्ट को क्यों नहीं दिख रही है। तो वहाँ पर आप ये देखो कि कई बार पॉजिटिविटी दिखा के भी आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने वाले लोग मिलेंगे, तो उनसे सावधान रहना है। तो अब मैं शुरू करूँगी वो चीज़ जो ईशा की अर्ली एज थी और उस समय जो हमारा थॉट प्रोसेस था वो कितना डिफरेंट था। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं भी पूछूंगी और हम लोग उसमें जवाब देंगे एज अ पार्टनर। आप उसमें देख पाओगे कि हम लोग की कितनी डिफरेंट ओपिनियन थी और आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ हम लोग 90% चीज़ों में एग्री करते हैं। अभी भी 10% ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम बहुत एग्री नहीं करते, बट उस समय हम 10% चीज़ों पर ही एग्री करते थे। तो पेरेंटिंग इज रियली डिफिकल्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ईशा जब छोटी थी, लाइक 1 साल की थी, तो क्या ईशा आई कांटेक्ट देती थी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ईशा मुझे आई कांटेक्ट देती थी। क्या ईशा अपने नाम पर रिस्पांस देती थी? नो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी उसे बुलाती थी वो हमेशा मेरे बुलाने पर आती थी। तो उस एज में मुझे लगता था कि ईशा मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देती थी। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है कि ईशा में इमोशंस, एक्सप्रेशंस और अफेक्शन था? नॉट अप टू द मार्क, जितना होना चाहिए उतना नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ईशा बहुत ज़्यादा मेरे से बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है, क्योंकि मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाती थी। तो उस समय मेरा ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि ईशा मेरे पास इसलिए आती है क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट वो कहीं ना कहीं मुझसे बहुत सारी अपनी टेक्टाइल की नीड्स लेती थी, इसलिए वो मेरे पास आती थी। और वो दूसरे के पास इसलिए नहीं आती थी क्योंकि उसको टेक्टाइल इश्यूज़ थे और दूसरे के टच से उसे प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट है कि क्या आपको लगता है कि ईशा में स्टिमिंग थी? डेफिनेटली। तो मुझे स्टिमिंग का कुछ भी नहीं पता था, बस मुझे ये लगता था कि उसे कोई काम करना पसंद है। तो एज अ मदर जो होता है ना, इग्नोरेंस की, लाइक मुझे नहीं लगता मेरी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता था कि ये कोई बात नहीं, बच्चे तो एक काम कितने दिन करते हैं, कितनी चीज़ें करते हैं। तो मुझे स्टिमिंग कभी नहीं लगती थी, इनफैक्ट मुझे स्टिमिंग का नाम भी नहीं पता था। नेक्स्ट है, क्या ईशा में फिक्सेशंस थे? फिक्सेशंस थे, डेफिनेटली। तो मुझे ईशा में फिक्सेशंस नहीं लगते थे, बट उसमें रिपीटेड काम करती थी वो चीज़ मुझे उसमें लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता था कि ईशा की स्पीच आएगी जब वो 1 साल की थी, 1.5 साल की थी? काफ़ी डिफिकल्ट लगता था, बिकॉज नॉर्मली 1-1.5 साल का बच्चा कुछ नहीं तो आप जो उससे बोलना चाहो उसको प्रोनाउंस करने का कोशिश तो एटलीस्ट करता है और मोर ऑफन देन नॉट प्रोनाउंस भी कर पाता है। 1.5 साल तक बच्चे के डेफिनेटली कॉल आउट्स आ जाते हैं, मम्मी डैडी कॉल आउट्स, काफ़ी कुछ आ जाता है। ईशा के केस में उसका प्लेबैक था ही नहीं साउंड का, अगर आप बोलोगे तो उसमें जो इसको हम बोलते हैं इकोलिया,
इकोलिया बिल्कुल नहीं था और उसका इकोलिया डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगा। जब एक बार इकोलिया डेवलप हुआ ना, आई थिंक इकोलिया उसका डेवलप हुआ था अराउंड 3.5 टाइप की एज में, तब पहली बार हो पाई थी कि शायद उसकी स्पीच अब आनी शुरू होगी। और एज अ मदर मुझे लगता था कि वो जस्ट डिलेट है, उसमें स्पीच तो आएगी ही आएगी, कुछ भी कर लो स्पीच तो आनी ही है। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था। नेक्स्ट है कि आपको लगता था कि ईशा कभी 3 लाइन्स में लिख पाएगी, 4 लाइन्स में? सो ईशा को विजुअल परसेप्शन की बहुत सिग्निफिकेंट इश्यूज थे, तो रियली बहुत डिफिकल्ट लगता था कि वो कॉपी में लिख पाएगी। मैंने कहीं ना कहीं ये एक टाइम पे अपना मन बना लिया था कि शायद वो राइटिंग से ज़्यादा टाइपिंग पे करेगी अपना फोकस, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो राइटिंग पे उतना फाइन राइटिंग नहीं कर पाते और वो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं टाइपिंग से, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। तो कहीं ना कहीं मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन काफ़ी एफर्ट उसमें लगा है, इन्होंने लगाया है कि अब ईशा 4 लाइन में लिख पाती है। तो जैसा क्योंकि ईशा बड़ी हो चुकी थी तो हमारी सोच काफ़ी मिलने लग गई थी यहाँ पर, तो राइटिंग में मुझे भी लगता था कि ईशा कभी नहीं लिख पाएगी, क्योंकि मैंने कम से कम 3 से 4 साल दिए थे लेकिन ईशा राइट नहीं कर पाती थी। प्लेन पेपर में राइट कर लेती थी, बट वही हर थेरेपिस्ट बोलता था कि ये तो विजुअल परसेप्शन है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। बट मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ईशा की मैंने जो ये लॉकडाउन हुआ ना, इसमें इतनी प्रैक्टिस कराई कि मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ईशा लिखने लगी है टचवुड, बट ईशा लिखने लगी। तो मैंने यही बोला कि कोई थेरेपिस्ट डिसाइड नहीं कर सकता आपका बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो आप जितना काम करेंगे बच्चे में उतना इम्प्रूवमेंट होगा, बस इस बात पे बिलीव रखना है। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।